एपिसोड शुरू होता है, नानेमी देखती है कि टोमोए के हाथ में ड्रैगन किंग की आँख है, लेकिन टोमोए यहाँ से उड़ के चले जाता है। नानेमी इसके पीछे भागती है पर कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो मिजुकी अपने स्नेक की मदद से टोमोए का पीछा करता है। इस दौरान नानेमी बोलती है, मैं टोमोए से बात करूँगी और ड्रैगन किंग की आँख वापस ले लूँगी। मिजुकी कहता है, इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा क्योंकि वो तुम्हें जानता नहीं है। हमें अब उससे वो आँख चुरानी होगी। टोमोए घर के अंदर जाता है, ये दोनों भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। नानेमी छुप के दरवाजे के अंदर देखती है, अंदर टोमोए एक लड़की के साथ होता है। लड़की बोलती है, क्या तुम इतनी दूर से सी में सिर्फ मेरे लिए मेडिसिन लेने गए थे? ये हाँ कहता है और ये लड़की को आँख देते हुए कहता है, अब तुम्हें बस इसे खाना है, फिर तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी यूकी जी। जल्दी से सही हो जाओ और फिर मेरे साथ हमेशा के लिए रहना। ये सब सुन के नानेमी हैरान हो जाती है और मन में बोलती है, तो ये सब टोमोए ने इस औरत के लिए करा, ये सच में बहुत ही सुंदर है। मिजुकी ये सब देख के मन में बोलता है, क्या ये पहली बार है जब तुम जेलस हो रही हो नानेमी? अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि मुझे कैसा लगता है। दूसरी तरफ टोमोए यूकी जी से बोलता है, ये निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, तो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, मेरा इंतज़ार करना। और टोमोए फिर यहाँ से चले जाते हैं। मिजुकी नानेमी से कहता है, जाकर वो आँख ले लो यूकी जी से। यूकी जी अंदर लेट ही होती है और इसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो नानेमी जल्दी से इसके पास जाती है और इसके हाथ से आँख लेती है और इसे निगलने को कहती है। मिजुकी इसके हाथ से आँख छीनता है और बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम इतनी दूर ड्रैगन किंग की आँख ढूंढने के लिए आई थी और तुम इसे वापस क्यों दे रही हो? ये कहती है, ये बीमार है। मिजुकी कहता है, क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम इस लड़की की जान बचाने के लिए दूसरे की जान खतरे में डाल रही हो? नानेमी कहती है, मैं यहाँ पर टोमोए की जान बचाने के लिए आई हूँ, लेकिन मेरी आँखों के सामने अभी कोई सफ़र कर रहा है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे ये आँख वापस दो। और फिर ये मिजुकी से आँख वापस ले लेती है और यूकी जी को खिला देती है। मिजुकी कहता है, अब यहाँ से चलो, हमारा टाइम ख़त्म हो गया है। प्रेजेंट में नानेमी अब घर पे होती है। ये मिजुकी से बोलती है, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं इसोही में जो पास में मिली थी हमें उससे मिल पाऊँ? ये कहता है, लेकिन तुम्हें उससे मिलना क्यों है? ये कहती है, उसने मुझे पास में बोला था कि ड्रैगन किंग की आई मेरे अंदर है और वो मेरे से डील करना चाहती है, तो शायद इससे हमें टोमोए को बचाने का कोई रास्ता मिल जाए। सीन शिफ्ट होता है, इसोही में एक गुफा के अंदर होती है। ये दो लड़कों को एक फ्रूट दिखाते हुए कहती है, अगर तुम इसे किसी औरत को खिलाओगे तो तुम जैसा कहोगे वो वैसा ही करेगी, बस इसके बदले में तुम मुझे अपनी गोल्ड रिंग दे दो। तभी यहाँ पर मिजुकी का स्नेक पानी की लहर की तरह इसोहिमे के ऊपर आ जाता है। ये दोनों लड़के डर के यहाँ से भाग जाते हैं। तभी मिजुकी नानेमी के साथ आता है और कहता है, तुम 500 साल में बिल्कुल भी नहीं बदली। इसोहिमे कहती है, तुम लोग कौन हो? नानेमी कहती है, मुझे तुम्हारे साथ डील करनी है। और फिर इसे सब कुछ बताती है। ये कहती है, क्या सच में तुम मुझे ड्रैगन की आँख दोगी? बताओ वो कहाँ पर है? नानेमी कहती है, तुमने मुझे बताया था कि ड्रैगन किंग की आँख मेरे अंदर है, उसे बाहर निकालने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर मुझे उसके बदले क्या मिलेगा? नानेमी कहती है, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ अगर वो कंट्रोल में हो मेरे तो। इसोही में नानेमी की लाइफ के 30 साल मांगती है और ये मान जाती है। मिजुकी ये सब करने से मना करता है, लेकिन नानेमी कहती है, अभी मैं जवान हूँ और मेरी लाइफ के 30 साल ले भी लिए तो मैं मरूँगी नहीं, और वैसे भी टोमोए के पास सिर्फ एक दिन है। इतना कहकर यह इसोहिमे के पास चले जाती है। मिजुकी मन में बोलता है, तुम कितनी स्टूपिड हो, तुम शायद ही कुछ कर सको लेकिन फिर भी तुम रिस्क ले रही हो, मैं ये सब और नहीं देख सकता। और इतना कहकर यह यहाँ से चले जाता है। इसोहिमे नानेमी को नीचे लेटने को कहती है और फिर मन में बोलती है, तुम्हारे पास 30 साल से ज़्यादा भी कुछ है मिस लैंडगॉट? और फिर इसके अंदर से कुछ बाहर निकालती है, फिर कहती है, ड्रैगन की आँख और लैंडगॉट की सोल, और खुश हो रही होती है। तभी मिजुकी की आवाज़ आती है, जिसे सुन के इसोहिमे शॉक्ड रह जाती है। ये बोलता है, मैंने तुम्हें वॉर्न किया था ना नानेमी, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। टोमोए के साथ जो हो रहा है वो उसकी वजह से है, उसका कर्ज चुकाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारे पास फैमिलियर का होना पॉइंटलेस है, तुम इतनी काइंड हो कि तुम्हें दूसरों को प्रोटेक्ट करना होता है, इसीलिए मैं तुम्हें सर्व करना चाहता हूँ। ये मेरा तरीका है ये दिखाने का कि मैं तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर ये नानेमी को किस करता है। इसोहिमे कहती है, ये तुमने क्या किया? ये इसोहिमे से आँख ले लेता है। थोड़ी देर बाद नानेमी उठती है तो ये कहता है, माई लेडी एंड मिस्ट्रेस, क्या आप सही से सोई थी? आज से मैं आपका नया फैमिलियर हूँ। नानेमी कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? ये बता रहा होता है कि तभी इसोहिमे यहाँ से भाग रही होती है, तो ये इसे पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मेरी मिस्ट्रेस को हर्ट करने की कोशिश की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर ये इसे मारने वाला होता है, लेकिन नानेमी इसे ऑर्डर देती है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ये मन में बोलता है, सीक्रेट वर्ड बाइंडिंग, गॉड के कंट्रोल में होना कितना प्लेजर फील होता है। और फिर खुश होते हुए नानेमी इसे और ऑर्डर देने को कहता है।
नानोमी इसे चाटा मारती और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे बिना पूछे मुझे किस करने की, तुम एक परवर्ट हो। अब नानोमी ड्रैगन किंग की आँख हाथ में लेके कहती है, क्या यह ड्रैगन किंग की आँख है, ये तो बहुत ही छोटी है। मिजुकी कहता है, साइज से क्या फ़र्क पड़ता है तो ये उसकी आँख ही, डील तो डील होती है, तो अब चलो। इस ही मैंने अपनी जान बचाने के लिए इनको बदले में ड्रैगन किंग के पैलेस में जाने की टिकट दी होती है। सीन शिफ्ट होता है, टोमोई ऑस्टर से बाहर निकल गया होता है। यह ड्रैगन किंग से कहता है, बहुत समय हो गया है तुमसे मिले हुए, मैं अपनी मिस्ट्रेस के सामने खून खराबा नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मेन्यू ही चेंज कर दूँ। दूसरी तरफ टिकट की हेल्प से ये दोनों टर्टल टैक्सी से ड्रैगन किंग के पैलेस में जा रही होती है। नानोमी मन में बोलती है, अब मैं टोमोई को बचा पाऊंगी और प्रेजेंट में उसे देख पाऊंगी। तभी इसे फिर यूकी जी के बारे में याद आता है और ये बोलती है, क्या टोमोई को अभी भी यूकी जी के लिए फीलिंग्स है, मुझे अब डर लग रहा है। वो वाला टोमोई बिल्कुल अलग था, वो काइंड था, स्वीट था, वो उसे बहुत प्यार करता था और यहाँ ये मुझे टच भी नहीं करता है। फिर ये कहती है, अभी ये सब नेगेटिव सोचने का टाइम नहीं है। तभी ये टर्टल टैक्सी रुकती है और इसके सामने एक औरत एंटर करती है और कहती है, आप लोगों के साथ ये राइड शेयर करने के लिए मुझे माफ़ करना। ये दोनों कहते हैं, कोई बात नहीं। ये औरत नानोमी से पूछती है कि ड्रैगन किंग के पैलेस में क्यों जा रही है। नानोमी बताती है कि इसका एक फ्रेंड है वहाँ पर जिसे बंदी बना लिया गया है। ये कहती है, ये तो बहुत दुख की बात है, वो ज़रूर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। मैं भी यहाँ पर अपने पति से मिलने आई हूँ, मैंने ये हाफ कोट अपने पति के लिए बनाया है, इसे बनाने में 7 दिन लगे हैं। नानोमी कहती है, ये कितना ब्यूटीफुल है, और मन में कहती है, मैं कभी भी ऐसा नहीं बना पाऊंगी। तभी यहाँ पर भूकंप जैसा आता है कुछ और इस खिड़की से ये कोट बाहर चले जाता है। नानोमी कहती है, हमें उस कोट को बचाना होगा। ये औरत कहती है, रहने दो, अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब तक तो वह बहुत दूर जा चुका होगा। नानोमी कहती है, लेकिन आपने उसे बनाने में इतने सारे दिन लगाए थे। ये कहती है, हाँ टाइम तो लगा था, लेकिन वो दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी के दिन थे, ये मेमोरीज ही मेरे लिए काफ़ी है। नानोमी ये सब सुन के बोलती है, अब मैं समझ गई, अभी तक मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि जिस पर्सन के लिए मैं केयर करती हूँ उसको मेरे लिए सेम फीलिंग्स नहीं है, वह मुझे टच भी नहीं करेगा। मैं ये सब क्या सोच रही थी, मैं इतनी सेल्फिश कैसे थी, लेकिन अब मैं सब समझ गई हूँ। सीन शिफ्ट होता है, ये लोग पैलेस पहुँच गए होते हैं लेकिन मिजुकी कहीं पर गायब हो गया होता है। इन दोनों का कहीं से जोर की आवाज़ें आती हैं, तभी दो सीज लक्स इनकी तरफ आते हैं और कहते हैं, लेडी का में ही में उस फॉक्स ने पैलेस में तबाही मचा दी है। सीन शिफ्ट होता है, टोमोई और ड्रैगन किंग आपस में लड़ रहे होते हैं। ड्रैगन किंग कहता है, तुम बीच पे जैसे लग रहे थे उससे कई ज़्यादा अभी बीस्ट जैसे हो गई हो, अगर वो लड़की तुम्हें ऐसे देखेगी तो 1000 साल पुराना प्यार भी खत्म हो जाएगा। टोमोई कहता है, तो तुम नानोमी को जानते हो। ये बताता है कि नानोमी ने इसकी जान बचाने के लिए इसकी आँख वापस लौटाने के लिए डील करी है। टोमोई कहता है, ये इम्पॉसिबल है, वो ही सिर्फ एक ऐसी लैंड गॉड है जो कुछ भी नहीं कर सकती। ये कहता है, क्या वो लैंड गॉड है, मुझे तो लगा था वो तुम्हारा प्यार है। टोमोई इसके मुंह पे एक मछली फेंक कर मारता है और कहता है, चाहे वो लगती ना हो लेकिन वो मिकागे श्राइन की लैंड गॉड है, तो उसे कोई भी ऐसा टच नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर नानोमी आ जाती है और कहती है, टोमोई तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई। लेकिन तभी टोमोई इस ऑयस्टर के अंदर छुप जाता है। नानोमी कहती है, बाहर निकलो, अब छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे सब पता चल गया है। फिर ये कहती है, मैं पास में पुराने टोमोई से मिली थी, मुझे अब नहीं फ़र्क पड़ता अगर तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है तो, या फिर तुम किसी और को पसंद करते हो। तभी टोमोई बाहर देखने के लिए ऑयस्टर को थोड़ा सा खोलता है, लेकिन नानोमी इसे फिर यहाँ से बाहर निकाल लेती है और हक करते हुए कहती है, चाहे तुम्हें अभी मेरे लिए फीलिंग्स ना हो लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें भी मेरे लिए फीलिंग्स होंगी। तभी यहाँ पर लेडी कामे ही में आती है और पैलेस की ऐसी हालत करने के लिए ड्रैगन किंग को सुनाने लगती है। ये कहता है, मुझे तो लगा था तुम अपनी फैमिली से मिलने गई हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया माई स्वीट वाइफ। ये सुनकर नानोमी कहती है, क्या ये ड्रैगन किंग की वाइफ है। ड्रैगन किंग कहता है, मुझे तो लैंड गॉड मेरी आँख लौटाने आई है। नानोमी कहती है, हाँ ये लो, ये रही तुम्हारी आँख। आँख का साइज देखकर ये कहता है, ये क्या है, ये इतना छोटा है कि ये कोई काम का ही नहीं है, मैं ये डील कैंसिल करता हूँ। तभी मिजुकी यहाँ पर यह कोर्ट के साथ आ जाता है और कहता है, क्यों ना इस कोर्ट के बदले तुम डील कर लो। ड्रैगन किंग कहता है, तुम्हें लग रहा है कि मैं इस मामूली से कपड़े के लिए तुम्हारे साथ डील करूँगा। लेकिन फिर जैसे इसे पता चलता है कि ये कोर्ट इसकी पत्नी ने बनाया है तो ये डर के मारे जो है डील के लिए मान जाता है और इसके बाद इसकी वाइफ इसे बुरी तरीके से मारने लगती है। टोमोई मिजुकी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये कहता है, मुझे अपने बिग फैमिलियर ब्रदर की चिंता हो रही थी, और हाँ मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि अब से हम दोनों मिलकर श्राइन का ख्याल रखेंगे। टोमोई को जब रियलाइज़ होता है कि इस सब का क्या मतलब है तो ये हैरान हो जाता है। नानोमी कहती है, चलो अब हम तीनों का अपने घर जाने का टाइम हो गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।